वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस कल वाले ब्लॉग में मैंने जैसा कि बोला ही था कि आज हम करने वाले कंपोस्ट की पूरी सफाई। उसमें से गाइस जितनी भी लकड़ियाँ वगैरह जो भी होगी उसको तो हम निकाल देंगे, बाकी गाइस जितने भी काम के हमारे जो पत्ते होंगे उनको हम निकाल मतलब एक साइड कर देंगे और लकड़ी वगैरह को हम निकाल के फेंक देंगे। तो गाइस सफाई करते हैं फटाफट से इस वाली मटकी की जिसमें हमारा पड़ा है गाइस कंपोस्ट, जो कि हमने इकट्ठा किया है गाइस इन सारे गमलों में से गाइस। और कंपोस्ट की सफाई करने के बाद और भी देख लेंगे गाइस इनमें मतलब न्यू जो पत्ते होंगे सूखे हुए कंपोस्ट के लिए, तो गाइस उनको भी देख लेंगे जितने भी पत्ते होंगे इनमें, और तो उन्हें भी निकाल के इधर रख देंगे। तो गाइस कचरा जो होगा उसे हम फेंकेंगे सामने वाले प्लॉट में। सो गाइस करते हैं इसकी सफाई फटाफट से मटकी की। सो सारा सामान रखते हैं गाइस पहले तो नीचे, देख सकते हो आप लोग सारे सामान को रखते हैं गाइस नीचे और उसके बाद मटकी को उतारते हैं इस बाउंड्री से नीचे, उसके बाद करेंगे गाइस हम इसकी सफाई कंपोस्ट की। सो गाइस मटकी को उतारते हैं अकेली और बाकी इसका ढांचा जो है उसको रहने देते हैं। सो गाइस मटकी को यहाँ रखते हैं, इसमें से गाइस पहले जितने भी ये पत्ते हैं उनको निकालते हैं हम बाहर, उसके बाद गाइस पत्तों को रखेंगे हम इसमें मटकी में, और बाकी गाइस जो भी होगा पेड़ पौधों की गाइस ये डालियाँ वगैरह जो भी होगी इन सबको हम निकाल के फेंक देंगे। सो गाइस ये देखो सीन क्या क्रिएट है, इतना ख़तरनाक वाला ये सड़ चुका है कंपोस्ट, ऐसे ही चाहिए होता है वैसे तो गाइस कंपोस्ट। सो गाइस इसको पहले तो हम पूरा जो है नीचे फैला देते हैं। ये देखो गाइस बरसात का जो पानी है वो इकट्ठा हो गया इसमें और इतनी सारी गाइस गंदगी भी निकली, तो इसको सबको साफ़ करेंगे गाइस करते हैं पहले। सो गाइस ये जितना भी ये कंपोस्ट दिख रहा है ना गाइस ये पूरा सड़ चुका है गाइस, किसी भी काम का नहीं लग रहा है मुझे तो गाइस, बहुत ख़तरनाक इसमें से स्मेल भी आ रही है गाइस। तो इसको हम वापस मटकी में भरते हैं और उसके बाद गाइस नीचे का जैसे ही चक्कर लगेगा तो इस सारे कंपोस्ट को गाइस फेंकेंगे। सो गाइस भरता हूँ वापस से इसको और इसको इसकी जगह पर रखते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइस भरने के लिए मैं इस ख़राब कपड़े का इस्तेमाल करूँगा ताकि इससे उठा के भरूँगा, क्योंकि गाइस बहुत ख़तरनाक वाला स्मेल आ रही है इसमें से और बहुत ज़्यादा सड़ गया है ये कंपोस्ट जितना भी है। तो गाइस इस सबको भर देते हैं फटाफट से मटकी में वापस से, जितने भी गाइस ये पत्ते हैं कंपोस्ट के। और गाइस जब भी नीचे जाएंगे हम तो इसको है ना गाइस फेंकेंगे, क्योंकि गाइस पूरा ही सड़ चुका है नीचे नीचे का जो भी है गाइस, पानी के चक्कर में सड़ गया है ये ख़तरनाक वाला, बाकी तो नहीं सड़ता गाइस ये। अगर गाइस ये बरसात नहीं आती ना ये कंपोस्ट नहीं सड़ता, बट कोई नहीं हो गया ख़राब। सो गाइस अब की बार हम कंपोस्ट जो इकट्ठा करेंगे ना गाइस उसको हम गाइस बरसातों के मौसम के बाद इकट्ठा करेंगे। गाइस मेरा कांटा भी चुप चुका है देख सकते हो नींबू का, तो गाइस फटाफट से इसको सबको समेटते हैं कंपोस्ट को जितना भी, वरना ये उड़ जाएगा हमारे लिए डबल मेहनत हो जाएगी। वैसे गाइस थोड़ा बहुत जो है उड़ भी चुका है गाइस, बाकी ये पत्ते जो है इनको हाथों से समेटना पड़ेगा क्योंकि कपड़े में भी नहीं आएंगे ये पत्ते। और गाइस बाल्टी लेकर आता हूँ मैं, इस सारी गंदगी को गाइस साफ़ कर देते हैं फटाफट पानी से। सो गाइस पहले इन सारे पत्तों को डालते हैं हम मटकी में, उसके बाद गाइस सारी गंदगी जो है उसकी सफाई कर देंगे फटाफट से। सो गाइस अब की बार हम बरसातों के बाद ही कंपोस्ट इकट्ठा करेंगे, क्योंकि गाइस पानी से सड़ गया सारा कंपोस्ट, ध्यान भी नहीं दिया था मैंने देख ही सकते हो। सो गाइस ये जितने भी एक दो पत्ते और ये नीचे पड़े हुए हैं सब समेट के इसी में डाल देते हैं, क्योंकि गाइस बरसात तो हम इकट्ठा कर भी नहीं पाएंगे कंपोस्ट। और गाइस मैंने एक और बात का ध्यान नहीं दिया, इन सारे पत्तों को मिक्स रख दिया गाइस, बल्कि इनको सुखाने के लिए गाइस इनको फैला के रखना पड़ता है। सो गाइस इसका भी मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात का भी। सो गाइस इस मटकी को वापस रखते हैं इसकी जगह पे, वापस से गाइस इसके जितने भी ये पत्ते जो हैं उनको समेट के डालते हैं जो नीचे फैले हुए हैं गाइस अभी भी। बाकी गाइस ये जो हल्की फुल्की गंदगी दिख रही है गाइस इसको हम पानी से बहा देते हैं, तो गाइस उसके लिए लानी पड़ेगी मुझे बाल्टी। चलते हैं गाइस फटाफट नीचे से, मैं लेकर आता हूँ बाल्टी उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो गाइस बाल्टी भी यहीं रखी हुई है देख ही सकते हो आप लोग गाइस, इसमें से हम इस छोटी बाल्टी को निकाल लेते हैं और बड़ी को ले लेते हैं गाइस, इससे हम निकालते हैं टैंक में से पानी, उसके बाद गाइस उस वाली जो जगह है गाइस उसको पूरा साफ़ कर देते हैं फटाफट से। टैंक का ढक्कन गाइस खुला रहने देते हैं क्योंकि ज़रूरत और ज़्यादा पड़ेगी अभी पानी की। गाइस चलते हैं फटाफट से बाल्टी को उठाते हैं और चलते हैं फटाफट से जितना भी एरिया है गाइस उसको सब साफ़ कर देते हैं। सो गाइस ये देखो ये पड़ी हुई गंदगी और ये रहा गाइस बाल्टी का पानी और ये गई गाइस गंदगी जितनी भी थी वो सब गई आगे इस गमलों के जो आसपास भी है गाइस मिट्टी वगैरह
उसको भी इसी प्रकार से निकाल देते हैं। देख ही सकते हो गाइस, दोनों तीनों साइड से निकालते हैं। तो गाइस पानी और चाहिएगा, तो चलते हैं फटाफट और ज़्यादा भर देते हैं पानी को इस बार बाल्टी को। चलते हैं गाइस, इस बार गाइस कोने में से फेंकेंगे, एक साइड से आधी बाल्टी को गाइस इस वाले कोने में से और आधी को उधर वाले कोने में से फेंकेंगे, ताकि गाइस ये जो कॉर्नर में से ये गंदगी है गाइस वो निकल जाएगी। अब दूसरे को गाइस इधर से फेंकते हैं। ये देखो गाइस, उधर आगे तक तो नहीं जा पाया पानी, बट गाइस गंदगी जो है गाइस सारी आगे आ चुकी है। गाइस एक बाल्टी पानी और लगेगा, उसके बाद गाइस सारा क्लीन हो जाएगा हमारा, जितना भी ये कंपोस्ट है अभी वेस्टेज जो हो गया है। गाइस चलते हैं फटाफट, एक और बाल्टी भर लेते हैं। चलते हैं गाइस, अब थोड़ा आगे से डालेंगे पानी, तो सारी जो गंदगी है वो आगे चली गई है। देख ही सकते हो, ये रही ये पड़ी हुई है गाइस, पत्ते वगैरह। ये देखो गाइस इधर, ये रही गंदगी थोड़ी बहुत। ये देखो गाइस सारी जो गंदगी है गाइस वो हो चुकी है क्लीन। और गाइस हमारी तोरई की बेल दिखाता हूँ, जिसकी जो ग्रोथ है ना गाइस दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बट गाइस उससे पहले इस बाल्टी को रखते हैं इसकी जगह पे और टैंक का लगाते हैं हम ढक्कन। गाइस ये तो रख दिया मैंने इसकी जगह पे, टैंक का भी गाइस ढक्कन लगा देते हैं। अब गाइस मैं दिखाता हूँ हमारी जो तोरई की जो बेल है गाइस, उसकी जो ग्रोथ है ना गाइस दिन पे दिन अमेजिंग होती जा रही है बहुत ज़्यादा। गाइस एक तोरई की बेल नहीं, तीन से चार है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। सो गाइस ये देखो, ये रही गाइस फर्स्ट वाली, और सेकंड गाइस इसी के पास में लग रही है, ये रही छोटी है अभी तो। ये देखो ये रही, और दिखाता हूँ गाइस एक ये रही गाइस, ये देखो इतनी बड़ी है ये वाली। और दिखाता हूँ गाइस बेल, एक बेल ये रही छोटी सी है गाइस, ये तो अभी बहुत। सो गाइस इसमें एक मग्गा पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी भी पूरी सूख गई है, ध्यान भी नहीं दिया मैंने अभी। और एक ये रही गाइस तोरई की बेल, ऐसी गाइस तोरई की जो बेल है वो हर गमले में मिल जाएगी, एक एक दो दो जो बेल है हर गमले में मिल जाएगी गाइस। अभी फ़िलहाल हम पानी डालते हैं थोड़ा सा उस वाले गमले में गाइस, जो कि अभी सूखा हुआ था, जिस पर गाइस मैं अभी ध्यान नहीं दे पाया। तो गाइस अब की बार हम टंकी में से निकाल लेते हैं पानी, क्योंकि टैंक का ढक्कन खोलना और गाइस लगाना तो बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी तो हम टंकी में से निकाल लेते हैं पानी, उस पौधे के लिए थोड़ा ही पानी चाहिए। सो गाइस निकालते हैं फटाफट, सो गाइस चलते हैं फटाफट से बाल्टी को लेके और डालते हैं गाइस उस गमले में पानी जिसमें रह गया है, बाकी थोड़ी सी गाइस उसकी मिट्टी सूखी हुई है, उसमें पानी डालना ही पड़ेगा गाइस। एक तो ये वाला गमला है, और भी गाइस गमले होंगे सूखे हुए तो उनमें भी हम डाल देंगे पानी, क्योंकि गाइस इनमें डालना पड़ेगा, ये जो सूख जाते हैं गाइस हल्के फुल्के। और चेक करते हैं गाइस, और तो किसी गमले में नहीं है ना मतलब पानी की ज़रूरत। सो गाइस इसमें भी हल्का सा डाल देते हैं, बाकी बचे हुए पानी को गाइस हम डालते हैं अपनी पक्षियों की जो मटकी है उसमें। चलते हैं गाइस उसको भी हम फटाफट से करके आ जाते हैं फुल मटकी को। सो गाइस ये रही मटकी, सो गाइस इसको भी कर दिया है फुल, और पानी गाइस रोज की तरह फैलने लगा इसमें से भी फुल करते वक्त। सो गाइस अब रखते हैं हम बाल्टी को बाल्टी की जगह पर, उसके बाद गाइस हम करते हैं गाइस हमारी जो कंपोस्ट की जो मटकी थी, हमने कंपोस्ट तो देख लिया सारा सड़ा हुआ है। गाइस उस मटकी का जो भी सामान है ये, इसको भी हम इसमें रख देते हैं फटाफट से। सो गाइस इस सारे सामान को भी हम इसमें ही रख देते हैं। ये देखो गाइस, सो आज का जो काम है गाइस वो तो हो चुका है कंप्लीट, फाइनली नहीं हो पाया गाइस क्योंकि कंपोस्ट जो था सारा ही सड़ गया था। गाइस कंपोस्ट अब की बार हमें ना गाइस बरसातों के मौसम में इकट्ठा नहीं करेंगे, सर्दी और गर्मी में ही इकट्ठा किया करेंगे गाइस। और उसको भी ऐसे मटकी है ना गाइस ये, तो इसमें इकट्ठा नहीं किया करेंगे गाइस, फैला दिया करेंगे ताकि वो सूख जाया करें। सूखने के बाद गाइस किसी पॉलीथीन में भर के भी रख देंगे, ताकि गाइस कंपोस्ट ख़राब ना होगा। सो आज का जो ब्लॉग है गाइस उसे यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर चैनल पर न्यू हो तो। सो गाइस बाय।